प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को पूर्व मंत्री और उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के देहरादून स्थित घर पर छापा मारा। जांच एजेंसी ने रावत के करीबियों के दिल्ली और चंडीगढ़ के 12 ठिकानों पर भी एक साथ छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक फॉरेस्ट लैंड स्कैम मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, एक बात तय है कि जो अच्छा काम करता है उसे सम्मान नहीं मिलता और जो खराब काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती है। गडकरी ने मुंबई में एक कार्यक्रम में ये बात कही। महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का भी बंटवारा हो गया है। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने 6 फरवरी को महाराष्ट्र सरकार में शामिल अजित पवार गुट को असली एनसीपी बताया। आयोग ने पार्टी का नाम एनसीपी और चुनाव चिन्ह घड़ी अजित गुट को दे दिया। चुनाव आयोग ने 6 महीने तक चली 10 सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है। जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज प्रवर्तन निदेशालय कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोरेन की 5 दिन की रिमांड खत्म हो रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी कोर्ट से सोरेन की रिमांड 5 दिन बढ़ाने की अपील कर सकती है। अमेरिका के शिकागो में एक भारतीय छात्र पर हमला हुआ। घटना 4 फरवरी की बताई जा रही है। घटना का एक वीडियो सामने आया है। इसमें 3 हमलावर छात्र का पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद तीनों उसे बुरी तरह पीटते हैं, फोन छीनते हैं और भाग जाते हैं। छात्र खून से लथपथ नजर आ रहा है।